नमस्कार दोस्तों, ट्रीकिलर दवा डॉक्टर की पर्ची पर मिलने वाली दवा है जो टैबलेट के रूप में उपलब्ध है। ये दवा दोस्तों सिर्फ महिलाओं के लिए है। ये दवा का उत्पादक है जाइडस कैडिला और सामग्री यह साल्ट है। एथेनॉल एस्ट्राडियोल 0.03 mg, लेविनोजेस्ट्रल 0.15 mg। एथेनॉल एस्ट्राडियोल एक एस्ट्रोजन दवा है जिसका उपयोग प्रोजेस्टिन के साथ संयोजन में गर्भ निरोधक गोलियों में व्यापक रूप से किया जाता है। इसके अलावा रजोनिवृत्ति के लक्षणों, स्त्री रोग संबंधी विकारों और कुछ हार्मोन संवेदनशील कैंसर के उपचार के लिए भी इसे उपयोग किया जाता है। लेवोनोरगेस्ट्रेल का उपयोग गर्भावस्था को रोकने के लिए किया जाता है। ये दवा एक आपातकालीन गर्भ निरोधक है। पैकिंग की बात करें तो ट्रीकिलर दवा दोस्तों 21 टैबलेट के एक स्ट्रीप है और एक स्ट्रीप की MRP है ₹193। ट्रीकिलर दवा एक कीट के रूप में होता है जो एक गर्भ निरोधक दवा है जो महिलाओं के अनचाही प्रेगनेंसी को रिमूव करने में मदद करता है। ये दवा सबसे पहले फीमेल अंडाशय से अंडे को निकलने से रोकता है। उसके बाद यह आपके सर्विक्स में द्रव्य को गाढ़ा बनाता है जिससे शुक्राणुओं का गर्भ में प्रवेश करना अधिक कठिन हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये गर्भाशय के स्तर को मोटा होने से रोकता है और अंडों के विकास के लिए इसे प्रतिकूल बनाता है। ट्रीकिलर किट दवा सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर गर्भ निरोधक के लिए ये एक विश्वसनीय और सुरक्षित दवा हो सकता है। ये दवा सेक्स में बाधा नहीं बनता है और आप बिना किसी चिंता के एक सामान्य नियमित जीवन जी सकते हैं। ट्रीकिलर किट को खाने के साथ या बिना खाने के लिया जा सकता है, लेकिन ज्यादा फायदा पाने के लिए इसे एक ही समय पर लें। इसे डॉक्टर की सलाह के अनुसार लिया जाना चाहिए। आमतौर पर ये दवा मासिक धर्म चक्र के पहले दिन से रोजाना एक गोली लेनी होती है और इसे पूरे एक महीने तक लेनी जारी रखनी होती है। एक बार पैक खत्म हो जाने पर एक नई गोली से शुरुआत करनी चाहिए। अगर आपको खुराक लेने के 4 घंटे के अंदर उल्टी का अनुभव होता है तो दूसरी गोली लें। अगर आप अपनी खुराक लेना भूल गए हैं और छूटी हुई खुराक लेने में 12 घंटे की देरी हो गई है तो 2 दिनों की अवधि के लिए संभोग के दौरान कॉन्डोम का उपयोग करें। ट्रीकिलर दवा से कुछ सामान्य साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे मिचली आना, सिर दर्द, स्तन में दर्द, पेट में दर्द, वजन बढ़ना, डिप्रेशन, लेकिन दोस्तों नियमित रूप से ये दवा का सेवन करने से ये साइड इफेक्ट अपने आप समाप्त हो जाते हैं। फिर भी अगर साइड इफेक्ट बने रहते हैं या लक्षण बिगड़ने लगते हैं तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। ये दवा लेने से पहले कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट या फिर प्रेग्नेंट होने की तैयारी करने वाली महिलाओं को ये दवा नहीं लेनी चाहिए। स्तनपान कराने वाली महिलाओं को अपनी डॉक्टर की सलाह पर ये दवा लेनी चाहिए। किडनी, लिवर या हार्ट की बीमारी से पीड़ित को अपनी डॉक्टर से बात करके ये दवा लेनी चाहिए।